नमस्ते। यूपीएससी की तैयारी का एक ड्रीम रहता है और हम सब लोग ने कभी ना कभी उसके बारे में सोचा, उसके बारे में हमने उसकी ओर तैयारी की, लिए एफर्ट्स किए और हम में से कई सारे लोग उसमें फाइनली कर पाए, उसको क्वालिफाई, कई लोग नहीं भी कर पाते। तो वो पूरा एक यूपीएससी की अपनी दुनिया है। तो उस यूपीएससी की दुनिया में जो यूपीएससी का जो मेंस एग्ज़ाम है, जिसको क्लियर करने के लिए जीएस के 4 पेपर हैं, ऑप्शनल के 2 पेपर हैं और एक एससी का पेपर है। एससी का पेपर बहुत नेगलेक्टेड रहता है, क्योंकि तो उसके बारे में हम लोगों को ऐसा लगता है कि इसमें कोई तैयारी की ज़रूरत नहीं है। और ये बात सही भी है कि उसमें बहुत ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत नहीं है, पर अगर थोड़ी सी तैयारी कर ली जाए और थोड़ा सा उसको पॉलिश कर लिया जाए, थोड़ी प्रैक्टिस कर ली जाए, तो एससी में बहुत अच्छे मार्क्स लाए जा सकते हैं। और एससी के पेपर में एक और खास बात यह कि रेंज बहुत बड़ी है मार्क्स की। जैसे कि 250 मार्क्स का ये पेपर है और उसके अंदर एक एस्पिरेंट को 150 160 तक मार्क्स मिल रहे हैं, और एक एस्पिरेंट को, एक स्टूडेंट को, कैंडिडेट को आपको 50 टू 60 70 मार्क्स मिल रहे हैं। तो इतना बड़ा गैप हो जाता है, जिसकी वजह से रैंक पर, आपकी सिलेक्शन पर और आपका जो भी फाइनल स्कोर रहने वाला है उस पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो छोटा सा, एक 10-15 मिनट की मैं आपसे बात करूंगा कि कैसे कुछ पॉइंट्स, क्योंकि भी मेंस की आप लोग तैयारी कर रहे होंगे या जो लोग अगले साल भी एग्जाम देंगे तो वो मेंस की तैयारी अभी से कर रहे होंगे, तो मैं उनको ये कुछ टिप्स हैं मेरे, और 10 भागों में मैंने उसको बांटा है। मैं बहुत शॉर्ट में आपको बताऊंगा कि अगर आप इन बातों का ध्यान रखें, आपकी फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस भी इसके अंदर आ जाएंगे कि कैसे एसए को अच्छे से इम्प्रूव करें। इसके बारे में मैं ये भी, बिफोर कमिंग टू दोज 10 पॉइंट्स, मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि मार्केट में जब आप एससी की तैयारी के बारे में कोई गाइडेंस लेना चाहते हैं तो कुछ ऐसा अवेलेबल हो नहीं पाता है, क्योंकि एससी की क्लास जैसा कॉन्सेप्ट बहुत पॉपुलर नहीं है। और एससी क्लास हम लोग इसलिए भी नहीं पाते क्योंकि बहुत सारी और चीज़ों में, उनकी क्लासेस में, ऑप्शनल में, जीएस में हम लोग बिजी रहते हैं। टेस्ट सीरीज जरूर चलती है और टेस्ट सीरीज करनी भी चाहिए एससी की, पर कोई बुक ऐसी नहीं मिलती है जो जिसको पढ़ लिया जाए आप 2-3 सिटिंग में और उससे एससी का जो आपका लेखन शैली है, आपका जो स्टाइल है, वो थोड़ा इम्प्रूव हो जाए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने और मेरे एक जूनियर हैं हिंदी मीडियम के, गंगा सिंह राजपुरोहित, तो हम दोनों ने मिलकर एक किताब कंपाइल की थी सिविल सेवा परीक्षा के लिए निबंध, मैं और गंगा सिंह राजपुरोहित, जिसमें स्ट्रैटेजी है और उसके साथ में हमारे जो टॉपर्स हैं हिंदी मीडियम से जिन्होंने यूपीएससी क्वालिफाई किया है, ऐसे 36 टॉपर्स के 101 निबंध भी इसमें शामिल है। तो ये अपने आप में कंप्लीट किताब है जो बताती है कि यूपीएससी की तैयारी कैसे, में एससी की तैयारी किस तरह से करें। इसी को देखा हमने तो हमें समझ में आया कि इंग्लिश के जो कैंडिडेट्स हैं उनको भी एक ऐसी किताब की ज़रूरत है। उसी को ध्यान में रखते हुए किताब है जो अभी जस्ट आई है, एसेज डीमिस्टिफाइड फॉर यूपीएससी एंड सीएससी एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। इसमें मेरे साथ अभिषेक सराफ आईएएस और स्नेहिल त्रिपाठी जो एक ऑथर हैं, हमने मिलकर इसको कंपाइल किया है। और इसके अंदर भी अगर आप देखें तो इसमें स्ट्रैटेजी के अलावा इसमें डायमेंशंस जो हो सकते हैं एससी के पेपर के, और कोट्स वगैरह और एग्जांपल्स आप क्या क्या लिख सकते हैं, और 55 मॉडल एसेज, प्रैक्टिस सेट्स, एक तरह से पूरा कंप्लीट एससी की तैयारी का इसमें एक पूरा इसके बाद मेरे ख्याल से इन 2 किताबों के बाद हिंदी में जिनको पढ़ना है वो हिंदी में पढ़ें, इंग्लिश में जिनको पढ़ना है इंग्लिश में पढ़ें, इनके बाद एससी की तैयारी मोटा मोटा आपकी हो जाती है, उसके बाद सिर्फ प्रैक्टिस पार्ट बचता है। तो मैं वापस अपने 10 पॉइंट्स के ऊपर आता हूँ जो मैं आपको आज बताना चाहता हूँ। एससी के बारे में जो सबसे पहली हमारी जो क्वेरी रहती है या सबसे पहली हमारी जो कन्फ्यूजन रहता है वो ये कि हमें कौन सा टॉपिक चुने। जब एससी का पेपर आता है तो उसके अंदर अपने को 2 एसेज लिखने होते हैं और दोनों में लगभग लगभग 1.5 घंटे का टाइम अपने को मिलता है। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा, क्योंकि उसमें एक ऐसे जनरली फिलोसॉफिकल होता है और दूसरा ऐसे सोशियो इकोनॉमिक या कोई इस तरह का टॉपिक होता है जो सोशियो इकोनॉमिक होता है या सोशियो पॉलिटिकल होता है या किसी कल्चर से रिलेटेड होता है, कोई एक पर्टिकुलर जो थोड़ा थोड़ा जीएस के किसी सेगमेंट से मैच करता है। और पहला जो होता है वो फिलोसॉफिकल टाइप का होता है, जो ओपन एंडेड होता है, थोड़ा किसी कोट पर बेस्ड होता है, किसी विचार पर बेस्ड होता है। तो मेरा सजेशन इसके अंदर ये है कि आप जो टॉपिक चुने वो ऐसा होना चाहिए जिससे आप थोड़ा फेमिलियर हो। वो फॉर एग्जाम्पल आपको पढ़ने का शौक है तो आप जिस टॉपिक को ज़्यादा पढ़ते हैं या जिस तरह की खबरें आप अखबार में ज़्यादा पढ़ना पसंद करते हैं, मान लीजिए आप कॉमर्स वाला या इकोनॉमिक्स वाला पेज ज़्यादा पढ़ते हैं अखबार में, आपको पसंद है, तो आप उस तरह का टॉपिक चूज़ कीजिए। अगर आपको कल्चर से ज़्यादा जुड़ाव है या आपको स्पोर्ट्स ज़्यादा अच्छा लगता है या टूरिज़्म ज़्यादा अच्छा लगता है, जो भी आपको
पसंद आता है उस तरह का टॉपिक अगर आपको मिल जाए तो उसको आपको चुनना चाहिए। एक और सवाल होता है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ टॉपिक चुने, तो आपका जो ऑप्शनल है अगर उससे बिल्कुल जुड़ा हुआ आपको टॉपिक मिल रहा है तो वो भी आप चुन सकते हैं। बस उसमें एक ही डर रहता है कि आप कहीं ऑप्शनल का बहुत ज्यादा ज्ञान उसके अंदर ना डाल दें, क्योंकि तो हमें ये ध्यान रखना है एससी के पेपर में कि एससी का पेपर तमाम बातें कह ली जाएं उसके बारे में पर वो जनरल होता है, उसमें बहुत टेक्निकल इंफॉर्मेशन की या बहुत ज्यादा उसको सैद्धांतिक रूप से समझने की आवश्यकता, लिखने की आवश्यकता नहीं रहती। उसको थोड़ा अपने को सिंपल और जनरल तरीके से पूरे सभी एस्पेक्ट उसको डेवलप करना होता है, तो जिसमें आपको ज्यादा फैमिलियरिटी लगे, जिसमें आपको लगे कि आपको औरों से थोड़ी ज्यादा जानकारी है, आप उसको पढ़ते रहे हैं या आपने मैगजीन्स में न्यूज़पेपर में उसको फॉलो किया है, आपके पास उसका थोड़ा कंटेंट अवेलेबल है, कुछ एग्जाम्पल्स और कुछ लॉजिक और कुछ कोट्स आपके याद आ रहे हैं, तो उस टॉपिक को आपको चुनना चाहिए। जनरली चार टॉपिक में से एक आपको चुनना होता है फर्स्ट पार्ट में और ऐसे ही चार में से एक सेकेंड पार्ट में। दूसरी बात, पॉइंट नंबर टू, कि आपको अपने टॉपिक पे केंद्रित रहना है। ये यूपीएससी ने जो एससे का सिलेबस दिया वो 4-5 लाइन का सिलेबस है, जिसमें एक बात उन्होंने ये कही है कि इस बात पर मार्क्स दिए जाएंगे कि आप अपने टॉपिक से भटके नहीं, आपको जो भी टॉपिक दिया गया है उसको ही पुष्ट करते जाएं, मतलब उस टॉपिक के इर्द गिर्द ही आपको रहना है। अगर बार बार आप उससे उसका डायमेंशन एक्सप्लेन करते हैं और डायमेंशन एक्सप्लेन करके आपको वापस उस टॉपिक पे आना है, ऐसा नहीं कि उस डायमेंशन को एक्सप्लेन करते करते आपको कहीं और दूसरे टॉपिक पर चले जाना है, ये बात ध्यान रखें। एक होता है कि पॉइंट नंबर थ्री है कि पैराग्राफ्स में लिखें एस्से को, एस्से को पॉइंट्स में नहीं लिखना होता है, एस्से को पैराग्राफ में लिखना होता है, और पैराग्राफ कोशिश करें छोटे छोटे पैराग्राफ्स हों, और एक पैराग्राफ में एक बात आ जाए उसके बाद जो दूसरा पैराग्राफ शुरू उसमें एक बीच में थोड़ा सा कनेक्शन हो कोई, वो प्रैक्टिस से धीरे धीरे आपको आ जाएगा। चौथा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कोशिश करना है कि जितने भी पॉसिबल एस्पेक्ट्स हो सकते हैं एस्से के टॉपिक के उन सबको कवर करना है, तो हर चीज़ को 360 डिग्री आपको देखना होगा, तभी आप उस चीज़ को कोऑर्डिनेट कर पाएंगे, एडमिनिस्टर कर पाएंगे। तो इसी तरह से सभी पहलुओं को कवर करने के लिए उसमें आपका सोशल भी हो सकता है, इकोनॉमिक भी हो सकता है, कल्चरल भी हो सकता है, पॉलिटिकल पहलू है, फिलोसॉफिकल, हिस्टोरिकल, एनवायरमेंटल, इकोलॉजिकल, डेमोग्राफिक, कम से कम 10-15 तरह के एस्पेक्ट्स हर चीज़ के हो सकते हैं। उसमें कोई एस्पेक्ट ऐसा हो सकता है जो उस टॉपिक में ज़्यादा रेलेवेंट हो, कोई एस्पेक्ट हो सकता है जो थोड़ा कम रेलेवेंट हो, तो आप कोशिश ये करें कि सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल और फिलोसॉफिकल, ये 3-4 एस्पेक्ट तो हर एक टॉपिक में रहते ही रहते हैं, तो आप कोशिश करें कि एक पैराग्राफ इसको उस तरह से खोलते चले जाए एस्से को। एक और चीज़ होती है, कुछ लेवल्स भी होते हैं, जैसे कि पर्सनल लेवल पे आप उसी टॉपिक को पर्सनल लाइफ में आप कैसे रिलेट कर सकते हैं, उसी को आप पर्सनल के बाद एक लेवल ऊपर बढ़े तो फैमिली, एक लेवल ऊपर बढ़े तो सोसाइटी, उसके बाद में आपका शहर या आपका इलाका, रीजन जहाँ से आप, उसके बाद स्टेट, फिर नेशनल लेवल, फिर इंटरनेशनल लेवल, इंटरनेशनल रिलेशंस, तो इन सब लेवल्स पे भी आप उस टॉपिक को रिलेट करके या उसको वहाँ पे लागू करके उस पर भी कुछ एक दो पैराग्राफ लिख सकते हैं, तो उससे आपके जो मल्टी लेवल्स हैं वो कवर हो जाते हैं। एक बात और जो आपको ध्यान रखनी चाहिए 6 पॉइंट की, थोड़ा बैलेंस्ड व्यू रहे आपका, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ना लें कोई भी, ना मान लीजिए राइट विंग या लेफ्ट विंग की बात है या फिर कोई भी, तो ऐसा बैलेंस्ड व्यू होना चाहिए, प्लस प्रोग्रेसिव रहे, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप कोई फंडामेंटलिस्ट हैं या आप किसी खास विचारधारा से बिलोंग करते हैं, तो एक्सट्रीम व्यू ना लेते हुए थोड़ा बैलेंस्ड रहें और उस तरह से अपने एस्से को डेवलप करें तो अच्छा इंप्रेशन जाएगा और आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। एक सातवां पॉइंट है कि एक सवाल होता है कि कैसे इंट्रोडक्शन लिखें, कैसे कंक्लूजन लिखें, कैसे आउटलाइन बनाएं, तो जैसे ही पेपर आपके सामने आता है आपको पहला पार्ट करें पहले या दूसरा पार्ट करें, वो आंसर क्वेश्चन का आंसर बुकलेट होती है उसके अंदर आपको मेरे ख्याल से पहले पहले वाला ही करना चाहिए और बाद में अगले वाला करना चाहिए, तो उसमें आप लास्ट के पेज पे आउटलाइन बना सकते हैं, रूपरेखा जिसको बोलते हैं, उसके अंदर आपको जैसे ही टॉपिक सामने आता है सबसे पहले आप चूज करेंगे, 5 मिनट का समय आपके पास, उस 5 मिनट में आप चूज कर लीजिए कि आपको कौन सा टॉपिक चुनना है और उसकी रूपरेखा एकदम से अपने दिमाग में आती है, क्योंकि ब्रेन हमारा इस तरह काम करता है जैसे कोई नया टॉपिक सामने आता है तो हम उसके क्या क्या पॉसिबल एस्पेक्ट हो सकते हैं और क्या क्या भी आपको ध्यान में आ रहा है उसके बारे में, चाहे किसी थिंकर की कोई कोट ध्यान में आ रही है, कोई एग्जाम्पल ध्यान आ रहा है, कोई डेटा ध्यान आ रहा है, कहीं आपने पढ़ा था उसके बारे में कुछ, जो कुछ भी ध्यान आ रहा है वो पीछे रूपरेखा जो आपने बनाई है रफ में उसमें शॉर्ट में आप उसको लिख लीजिए और साथ में कुछ उसके जो एस्पेक्ट्स हो सकते हैं उनको हेडिंग अपनी समझ के लिए लिख लीजिए, बाद में वो रफ में आ जाएगा।
तो उसके बाद आप 5 मिनट 7 मिनट का समय देके या ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट, उसके बाद अपना 1.5 घंटे का समय में आपके 5-7 मिनट जो आपने शुरू में लगाए वो घट गए, और उसमें आप एस्से को फिर लिखते जाना है आपको, जिसके अंदर सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन कैसे लिखें? इंट्रोडक्शन लिखने के 3-4-5 तरीके होते हैं जो एस्पिरेंट्स अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो किसी कोट से शुरू करते हैं, फिर उसको जोड़ते हैं उस टॉपिक से और फिर उसका इंट्रोडक्शन देते हैं। कुछ लोग होते हैं जो किसी कहानी से, किसी एग्जाम्पल से, किसी न्यूज़पेपर की रिपोर्ट से, किसी डेटा से शुरू करते हैं। और एक तरीका ये भी होता है कि कुछ उसका हिस्टोरिकल इवोल्यूशन बता के शुरू करते हैं कि इस टॉपिक का बैकग्राउंड क्या है, ये आया कहाँ से। तो इस तरह के बहुत सारे अप्रोचेज हैं। मेरी सलाह ये रहेगी कि दो टॉपिक हैं तो दोनों को अलग अलग तरीके से शुरू करें, तो उससे आपको जो एग्जामिनर है उसको पढ़ने में अच्छा लगेगा। इंट्रोडक्शन जो है वो 2 से 3 पैराग्राफ का मैक्सिमम होगा, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और उसके बाद आपका मेन बॉडी शुरू हो जाएगी। मेन बॉडी में सारे एस्पेक्ट्स आप कवर करते चले जाएंगे, सारे लेवल्स बता देंगे जो मैंने बताया। उसके बाद आप एक और चीज़ होती है बिफोर कंक्लूजन मेन बॉडी में ही, कि आप जो टॉपिक दिया गया है उसका जो अपोजिट व्यू है, एक तरह से डेविल्स एडवोकेट टाइप का जो व्यू है, वो भी आप एक पैराग्राफ में बता सकते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि गुड लाइफ जो है वो लव और नॉलेज दोनों से बनती है, मान लीजिए ये आपका टॉपिक है, अब आप बताएंगे कि भाई अच्छी जिंदगी के लिए लव भी जरूरी है और नॉलेज भी जरूरी है, लेकिन आप एक पैराग्राफ इस बात पे भी लिख सकते हैं कि देयर आर सम पीपल जिनको लव और नॉलेज दोनों ही, देवर नॉट सो प्रिविलेज थी, उनको दोनों ही चीज़ें नहीं मिल पाई जिंदगी में, फिर भी वो अच्छी लाइफ उन्होंने जी और फिर भी उन्होंने स्ट्रगल करके अच्छा करियर बनाया। तो ये भी एक सोचने का एस्पेक्ट हो सकता है कि जरूरी नहीं है कि जो टॉपिक दिया गया है वो ही पूरी तरह ठीक हो, उसका एक अपोजिट व्यू भी हो सकता है। थोड़ा सा उसको भी एक पैराग्राफ में आप एलिबरेट कर सकते हैं। उसके बाद आता है कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में कई तरह से लोग कंक्लूजन लिखते हैं, पर मुझे जो लगता है सबसे अच्छा होता है कंक्लूजन को आप एक निचोड़ की तरह लिखें, एक मतलब जो पूरा आपने इंट्रोडक्शन से लेके और मेन बॉडी तक पूरा आप डेवलप करते चले गए, उसके एंड में उसका जो सार है और जो एक बैलेंस सा एक सार निकल के उसका आ रहा है, जिसमें वो टॉपिक जो दिया गया था लगभग वो वही सिद्ध हो जाता है, उसी की पुष्टि हो जाती है, तो वो आपको कंक्लूजन के रूप में लिखना चाहिए। और उसमें कुछ एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच भी होनी चाहिए, जैसे कि आप कोई समस्या है तो उसका एक समाधान सा निकलता हुआ दिखना चाहिए कि हाँ, जैसे कि कोई सिविल सर्वेंट है तो वो भी जब बाद में पूरी जिंदगी में ही शुड बी सॉल्यूशन ओरिएंटेड, तो उसी हिसाब से आपको जो कंक्लूजन उसमें एक ना पॉजिटिव अप्रोच के साथ एक हल्का सा समाधान का एक संकेत दे देना चाहिए। तो इस तरह से आप इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लिख सकते हैं। रूपरेखा आउटलाइन कैसे बनानी है वो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट पॉइंट है कि कोटेशंस का कितना यूज करना है। तो कोटेशंस के बारे में ये है कि कई लोग पूछते हैं कोटेशंस का ज़्यादा यूज करें या कम यूज करें, पोएटिक कोटेशंस यूज करें या प्रोज टाइप की करें, तो वो सब कुछ ओपन है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। लेकिन कोटेशंस का यूज थोड़ा सा इकोनॉमिकल होना चाहिए, कई बार दोनों ही चीज़ें ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा यूज़ भी कर लेते हैं, कई बार लोग हर पैराग्राफ में एक कोटेशन डालना, दैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड। पर कोटेशन कोट्स जो हैं वो अच्छी लगती हैं, अगर वो रेलेवेंट हो तो आप रेलेवेंट कोट को यूज़ करिए, उससे बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। पर वो ऐसा ना हो कि आपके मल्ली 7-8 पेज का एक एस्से है तो उसके अंदर हर दूसरे पैराग्राफ में आपकी कोटेशन आ रही है, वो भी थोड़ा वियर्ड लगता है। तो कोटेशंस का यूज़ करें, और जो बुक्स है इसमें भी मैंने बहुत सारी हम लोगों ने कोट्स आपको बताई हैं फॉर एग्जाम्पल, कि आप इन कोट्स को पढ़ के उनको भी यूज़ कर सकते हैं। और कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं कि जो उससे रिलेटेड आपने हाल फिलहाल के साल भर में करंट अफेयर्स में पढ़े होंगे, या आपने जीएस में कहीं पढ़े होंगे, कोई हिस्ट्री से एग्जाम्पल आ सकता है, इंडियन नेशनल मूवमेंट से एग्जाम्पल आ सकता है, कोई रियल लाइफ सिचुएशन हो सकती है, डिजास्टर मैनेजमेंट हो सकता है, इंटरनल सिक्योरिटी से कोई बात आ सकती है, इंटरनेशनल रिलेशन से कोई बात आ सकती है। तो तमाम तरह की आपके दिमाग में उस समय जब आप टॉपिक सामने आता तो बहुत सारे कोटेशंस, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके ध्यान में आते हैं, वो आपके ऑप्शनल से भी हो सकते हैं। एक बात आती है जो अगला सवाल होता है कि वर्ड लिमिट और टाइम लिमिट को लेके। तो चूंकि हमें पता है टाइम लिमिट फिक्स है, तो 1.5 घंटे में ही आपको फिनिश करना है एस्से चाहे जो भी हो, और अगला एस्से भी टाइम से शुरू कर देना है। वर्ड लिमिट का ध्यान रखिए, 1200 शब्दों की वर्ड लिमिट है, 1000 शब्द तक का आप टारगेट रखिए, 1100 में आपका फिनिश हो जाना चाहिए, तो उससे आपका टाइम भी बच जाएगा और एस्से की क्वालिटी भी अच्छी रहेगी। अब बात आती है तैयारी की। ये तो बात हुई कि पेपर विक में कैसे आपको एस्से अटेम्प्ट करना है, तो तैयारी कैसे करें? तैयारी ऐसे करें, आप ये जैसे कोई बेसिक बुक पढ़ लें जैसे मैंने बताई, और आप
कोशिश करें तैयारी के दौरान, जब आप मेंस की तैयारी के फेज में हैं खासकर, तो आप हर हफ्ते एक डेढ़ घंटे बैठ करके ऐसे लिख लें। हफ्ते में एक ऐसे लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ईजी है। उसमें दिक्कत ये आती है, हम लोग सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा तैयारी होगी तभी हम ऐसे लिखेंगे, जबकि ऐसे हम लोग बचपन से लिखते आ रहे हैं और हम सब में ऐसे लिखने का स्किल मौजूद है। हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मैगजीन पढ़ते हैं, हमें पता है कि कोई भी एक कंटेंट को कैसे डेवलप किया जाता है। हम लोग बेसिक, कोई भी ऐसा स्टूडेंट एस्पिरेंट नहीं है जिसको ऐसे लिखना बेसिक ना आता हो। उसके बाद जब आप हर हफ्ते ऐसे लिखेंगे और उसे किसी से चेक करा लें या खुद देख लें या टेस्ट सीरीज कर लें, तो आपको उसमें इम्प्रूवमेंट होता चला जाएगा। और आप ये मान के चलिए कि आप अगर थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे और एग्ज़ाम देने तक 20 ऐसे भी लाइफ में लिख लेंगे, तो आप अभी तो अगर मेंस इसी बार दे रहे हैं तो 10 ऐसे भी लिख लें कोई नहीं, लेकिन अगर आप अगले साल देने जा रहे हैं तो 20 ऐसे लिख लें। उसके बाद में आपके जो मार्क्स आएंगे वो अबव एवरेज ही आएंगे, उससे कम आपके मार्क्स नहीं आएंगे। तो ये मेरे 10 पॉइंट्स थे जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था, और ये मेरी हम लोगों ने जो मिलकर के दो किताबें हिंदी और इंग्लिश में लिखी हैं, ये हैं। अगर आप इनका फ़ायदा उठा के इनसे एस ए की तैयारी और अच्छी अपनी कर सकते हैं। बेस्ट विशेज़, थैंक यू सो मच।